लॉयल्टीज बाय जॉन गॉल्सवर्थी। पढ़ने के पहले एक तो सूचना देना चाहते हैं, यदि अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए व्हाट्सअप नंबर्स 8210297322 रिटायर्ड प्रोफेसर बी के मिश्रा, यह है 8434291664, ये विकास का है। हम दोनों जब एक साथ रहेंगे तभी लोडिंग हो पाता है। टीबी पेशेंट खेतन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम 8434291664। वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स टू गिव हेल्प आर टीबी पेशेंट केदन ऑन द नंबर्स अबव। थैंक यू वेरी मच। अब टॉपिक को सुनिए, लॉयल्टीज बाय जॉन गॉल्सवर्थी, पेज 1। क्वेश्चन नंबर देना है, लॉयल्टीज 1922 इज अ थ्री एक्ट सोशल प्ले बाय गॉल्सवर्थी, क्योंकि नाटक जो है तीन एक्ट में, नाटक में एक्ट होता है तो तीन एक्ट का सिर्फ है, और यह सामाजिक नाटक है। हिज गॉल्सवर्थी का अदर प्लेज आर द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, स्किन गेम, जस्टिस एंड एस्केप। फुल स्टॉप देना है। गॉल्सवर्थी एंड बी शॉ राइट प्लेज ऑन द सोशल प्रॉब्लम ऑफ आर एज। ये लोग नाटक लिखते हैं समाज में जो समस्याएं हैं उस पर ये लोग नाटक लिखते हैं। लाइक बी शॉ गॉल्सवर्थी कैन ऑल्सो से क्या कह सकता है, आई कैनॉट राइट अ सिंगल सेंटेंस फॉर आर्ट से। सिर्फ कला के लिए हम एक वाक्य नहीं लिख सकते, ये बर्नार्ड शॉ का कहना है, लेकिन गॉल्सवर्थी का भी यही थ्योरी है। गॉल्सवर्थी राइट्स प्लेज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ ए सोसाइटी, अपने समाज को सुधारने के लिए ये नाटक लिखते हैं। पढ़ना पढ़ लो बेटा, लॉयल्टीज कैसे उसमें, लॉयल्टीज शोज दैट पीपल स्टे विद देयर ग्रुप। लॉयल्टीज में यह क्या दिखाता है कि आदमी जो है, मनुष्य जो है, अपने ग्रुप के साथ रहते हैं, अपने ग्रुप के साथ लॉयल रहते हैं, अपने ग्रुप के साथ वफादार रहते हैं, अपने ग्रुप के साथ ईमानदार रहते हैं। द ग्रुप में बी रॉन्ग येट द इंडिविजुअल स्टेज विद द ग्रुप। ग्रुप गलत काम कर सकता है लेकिन फिर भी लोग अपने ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं। कैप्टन रोनाल्ड डैम्सी, उसका शॉर्ट में नेम है रॉनी, इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ लॉयल्टीज, मेन कैरेक्टर है प्रोटेगोनिस्ट। ही हैज़ एक्सेस लव फॉर वीमेन एंड हॉर्सेस, उसको क्या है, औरतों के लिए घोड़ों के लिए अत्यधिक नशा है। दिस कैन बी कॉल्ड हिज ट्रेजिक फ्लॉ, ये उसकी ट्रेज दुखद फ्लॉ मैंने गलती, उसकी दुखद गलती है। ट्रेजिक फ्लॉ मीन्स द वन मिस्टेक दैट रूइंस अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ट्रेजिक फ्लॉ मैंने क्या होता है, एक गलती जिसके कारण महान लोग भी उसका सत्यानाश हो जाता है, महान लोगों का सत्यानाश हो जाता है, इसको होता है ट्रेजिक फ्लॉ। टेक्निकल इसको दीजिएगा, द ब्रेव मैकबेथ इज रूइन बिकॉज ऑफ ओवर एम्बिशन। मैकबेथ बहुत महान योद्धा है लेकिन उसका सर्वनाश क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोभी, ओवर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा जरूरत से ज़्यादा, ओवर। अब देखिए रॉनी, अब हम लोग आ गए अपने नाटक पर। रॉनी इज फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिकॉज ही हैज स्पेंड टू मच ऑन वीमेन एंड हॉर्सेज। तो लॉयल्टीज में रॉनी का क्या है, उसको आर्थिक संकट हो रहा है, क्यों, औरतों पर और घोड़ों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है। क्या करता है लाचारी में, रॉनी सेल्स इज मेर मेर मन घोड़ी, अपनी घोड़ी को, घोड़ी का नाम क्या है, रोज़मेरी घोड़ी का नाम है, घोड़ी को बेच देता है टू अ जू नेम, एक यहूदी को बेच देता है घोड़ी को, उसका नाम क्या है, डी लेविस। स्पेलिंग ठीक से देखिएगा, द जू डी लेविस इज बिजनेस माइंडेड, यहूदी तो बिजनेस माइंडेड होते हैं, तो क्या करता है यहूदी, ही सेल्स द मेर एट द प्रॉफिट ऑफ 1000 पाउंड, 1000 पाउंड नफा कमा के वो घोड़ी को बेच देता है। दिस मेक्स रॉनी एंग्री, इससे रॉनी गुस्सा जाता है, क्या अरे बाप घोड़ी मेरी है, उसको नफा वो कमा लिया। अब रॉनी क्या करता है, रॉनी स्टील्स द 1000 पाउंड ऑफ डिलीवरी, वो 1000 पाउंड जो है उसका डिलीवरी का चुरा लेता है। डिलीवरी इन्फॉर्म द पुलिस, ये भी गुस्से में क्या करता है, पुलिस को मेटमार कर सकता था लेकिन नहीं, तुरंत गुस्से में पुलिस को खबर देता है। अब देखिए क्या होता है, अब क्वेश्चन है, Why did Ronnie steal the money? Ronnie पैसा क्यों चुराया, इतना मिलिट्री ऑफिसर था, कैप्टन था, वो सब था, क्यों चुराया। He had an affair with an Italian girl. उसको इटालियन गर्ल से कोई अफेयर चल रहा था, तो द गर्ल्स फादर डिमांडेड 1000 फॉर हिज डॉटर, और लड़की के
के पिता जो हैं, बोले तुम 1,000 pounds हमको दो अपनी मेरी बेटी के लिए। इफ़ द मनी वॉज नॉट पेड द गर्ल्स फादर वुड इन्फॉर्म रॉनीज वाइफ मेबल। यदि नहीं वो खबर पैसा देता तो क्या करता उसकी लड़की के पिता जो है वो रॉनी की वाइफ पत्नी मेबल को खबर देता। मैं ब्लैकमेल कर रहा है, रॉनी वॉन्ट्स टू रन अवे विथ हिज वाइफ मेबल। तो रॉनी चाहता है संकट से बचने के लिए अपनी पत्नी के साथ भाग जाना चाहता है। बट शी रिफ्यूजेज टू डू सो बिकॉज शी थिंक दैट हर हस्बैंड कैन नॉट बी अचीव। लेकिन रॉनी भागने से इनकार करते हैं, हम नहीं भागेंगे, तुम तो ईमानदार हो। तो क्या कहते हैं, भागने का क्या रहा, भागेंगे तो लोग सोचेगा सचमुच चोर है, इसलिए आपको नहीं भागना है। आप पढ़ना पलट होता है, अब देखो क्या होता है। रॉनी कन्फेसेस एवरीथिंग टू हिज वाइफ। तब जो है रॉनी जो है सब बात उगल देता है, सच्ची सच्ची बात अपनी पत्नी को कह देता है। नाउ शी इज विलिंग टू रन अवे विथ हिम। अब जो है पत्नी जो है पति के साथ भागने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि वो चोर है पति, लेकिन लॉयल्टीज यही है, पत्नी का लॉयल्टी रहता है पति के साथ, तो वो भागने के तैयार है। द वाइफ इज लॉयल टू हर हस्बैंड ऑल्दो द हस्बैंड इज अ थीफ। चोर है फिर भी वो वफादार है, उसके साथ साथ देती है। अब देखिए क्या होता है, द पुलिस कम टू अरेस्ट रॉनी बिफोर ही कैन रन। वो भागने के पहले पुलिस आ जाती है। टू अवॉइड अरेस्ट रॉनी शूट्स हिमसेल्फ डेड। और पकड़ाने के डर से वो क्या करता है, अपने को गोली मार के वो आत्महत्या कर लेता है। द पुलिस आर लॉयल टू देयर ड्यूटी। और पुलिस जो है वो भी वफादार है, लॉयल है अपनी ड्यूटी। यही लॉयल्टीज नाटक है, सब लॉयल अपने अपने धर्म के प्रति है, अपने कर्म के प्रति है, और नतीजा क्या होता है, उसका मौत होता है। दे हैव नो मर्सी फॉर रॉनी, कोई दया नहीं। लॉयल्टीज सब अपना अपना लॉयल्टी निभा रहा है, सब अपने 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 क्षेत्र में सब वफादार है। अब देखिए, द क्रिश्चियंस हेल्प रॉनी बिकॉज ही इज अ क्रिश्चियन। वो क्रिश्चियन क्रिश्चियन को मदद करते हैं, लॉयल्टीज उसके प्रति है। द क्रिश्चियंस हैव नो मर्सी फॉर डिलीवर्स द जू ऑल्दो हिज मनी हैज बीन स्टोलन। यहूदी के प्रति क्रिश्चियन को जरा भी सहानुभूति नहीं है, हालांकि इसका पैसा चोरी हुआ है, ये कष्ट भोगा है, लेकिन सब क्रिश्चियन को क्रिश्चियन के प्रति सहानुभूति है। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ लॉयल्टीज। ये सब क्यों हो रहा है, लॉयल्टीज के कारण। टाइटल जस्टिफाई है, द टाइटल इज फिट। पलटू बेटा, अब देखिए, अब लास्ट पेज है। नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा। टकरार नहीं होगा तो ड्रामा नहीं होगा। इन लॉयल्टीज देयर इज अ पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जू डिलीवर्स एंड द क्रिश्चियंस। इसमें टकराव क्या है, यू के में और इसमें टकराव है। अब कंक्लूजन दे रहे हैं, टू कंक्लूड, लॉयल्टीज इज अ सक्सेसफुल ट्रेजिक ड्रामा। सफल नाटक है ये, ट्रेजिक नाटक है। गॉल्सवर्थी वन द नोबेल प्राइज इन 1932 फॉर राइटिंग सच प्लेज एंड नॉवल्स लाइक द फोरसाइट सागा। नॉवल भी लिखे, नाटक भी लिखे, उनको नोबेल प्राइज मिला। बट क्या है, ही सफर्स फ्रॉम द प्रेजुडिस दैट शेक्सपियर हैज़ इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस। लेकिन उसको गलत धारणा जो है, गॉल्सवर्थी में भी है, शेक्सपियर जो महान नाटक उनमें भी है, क्या गलत धारणा है, द जूज डिलेविस एंड शाइलॉक आर ट्रीटेड एज़ विलन। यहूदियों को खलनायक ट्रीट करता है, हालांकि यहूदी में बहुत महान महान लोग हुए हैं, लेकिन देखिए नाटक में लोग क्रिश्चियन राइटर सब जो है यहूदी को खलनायक मानते हैं। यहूदी डिलेविस को भी खलनायक माना जाता है, शाइलॉक को भी माना जाता है। गॉल्सवर्थी हैज सिंपथी एंड लॉयल्टी फॉर द पर्सन ऑफ हिज रिलीजन। गॉल्सवर्थी को सिंपथी किसके लिए है, अपने क्रिश्चियन जाति के लोगों के लिए है, अपने देश इंग्लैंड वाले के लिए, लेकिन यहूदियों के लिए नहीं। दिस ऑल्सो जस्टिफाइज द टाइटल। इससे भी टाइटल का जस्टिफिकेशन होता है कि लॉयल्टी जो है टाइटल। दैट्स ऑल, थैंक यू।